जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की क्लास में हम जो है ना स्क्रैपी एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन स्क्रैपिंग के लिए किया गया, ठीक है। बहुत फास्ट है वो, ठीक है, और स्क्रैपिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो हम ऑलरेडी जो है वो हमने जो है सबसे पहले हमने देखा कि पाइथन लैंग्वेज के बारे में देख लिया, फिर हमने रिक्वेस्ट के बारे में देखा, ठीक है, रिक्वेस्ट के थ्रू हम किस तरह करते हैं दैट, और पासिंग के लिए जो हम यूज कर रहे थे वो हमने पुट ब्यूटीफुल स्ट्रोक को हमने यूज किया, ठीक है। और फिर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एलएक्सएमएल, ठीक है, एलएक्सएमएल के थ्रू भी हमने देखा था कि किस तरह हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो इनसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो फ्रेमवर्क है कंप्लीट, ठीक है, फ्रेमवर्क ठीक है। उसके लिए हम पढ़ेंगे स्क्रैपी पर, ठीक है। तो अगर हम नेट पे जाएं और देखें यहाँ से, ओके, स्क्रैपी ठीक है, तो अगर स्क्रैपी से फ्री ओपन सोर्स वेब क्रॉलिंग फ्रेमवर्क रिटन पाइथन, ठीक है, इट इज़ अ फास्ट हाई लेवल फ्रेमवर्क यूज्ड टू क्रॉल वेबसाइट एंड एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर डेटा फ्रॉम द पेजेस, कैन इट कैन बी यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ पर्पजेज फ्रॉम डेटा माइनिंग टू मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस हैं इस स्क्रैपी को यूज करने, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं स्क्रैपिंग फ्रेमवर्क है, बहुत फास्ट है, ठीक है, विच हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो उनसे है ना दो वेज में हम यूज कर सकते हैं, एक इन्होंने स्क्रैपी शेल दिया हुआ है, ठीक है, स्क्रैपी शेल, ठीक है, जो कमांड प्रॉम्प्ट पे हम साथ से यूज करेंगे, और दूसरा हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें स्पाइडर जनरेट करते हैं, कुछ कमांड्स होती हैं उसके थ्रू, तो उसके थ्रू मैं करके बताऊंगा। वो जो हमने पहले वाली वेबसाइट स्क्रैप की थी वो हम स्क्रैपी के थ्रू स्क्रैप करके देखेंगे कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हमने अगर सिंपल इसको शेल में स्टार्ट करना, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाए ना गूगल फिर के स्क्रैपी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ बताया हुआ है, स्क्रैपी डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप जाएं और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन करें तो ये सारी स्क्रैपी की डॉक्यूमेंटेशन है कि आप स्क्रैपी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे जाकर समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, बाकी आस्था से जो इन्फॉर्मेशन आपने लेनी हो पढ़ना हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल CMD ओपन कर लेना है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है SC। सबसे पहले तो आपने इसको इंपोर्ट कर लेना, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, पिप इंस्टॉल SCRAPY, ठीक है, पिप इंस्टॉल स्क्रैपी लिखेंगे, तो ये देखें ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो मेरा ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, आपने जो उनसे इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, और ये हो गया। अब हमने इसको चलाना है तो कैसे चलाते हैं, SCRAPY स्क्रैपी शेल, ये स्क्रैपी शेल लिख के आपने एंटर प्रेस करना, जैसे आप स्क्रैपी शेल लिख के एंटर प्रेस करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे देखें ये आपका स्क्रैपिंग स्क्रैपी शेल चल गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मुख्य ऑप्शन हैं, ठीक है, स्क्रैपी क्रॉलर आइटम सेटिंग्स फैच URL को फैच करने के लिए ये है, ठीक है, एस हेल्प है, ठीक है, और व्यू रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्स का व्यू देखने के लिए कि किस तरह का रिस्पॉन्स आया है। तो सबसे पहले अगर हम इसी वेबसाइट को देख रहे हैं कोस्ट ऑफ स्क्रैप को, ठीक है, तो इसके लिए कोस्ट ऑफ स्क्रैप एंटर किया, इसको कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी का, मैंने कॉपी कर ली वेबसाइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा ना मतलब एक इंटरफेस ओपन हो गया, ठीक है, पाइथन में जिस तरह। अब यहाँ पे एक वेरिएबल भी बना सकते हैं, हम URL लिखे इज इक्वल टू, और डबल कोटेशन में हम क्या करें यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है,
थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे यू आर एल लिखा इज इक्वल टू, अब ये देखिए एक वेरिएबल बन गया। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए मैं यू आर एल लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए एंटर, या मैं प्रिंट लिखता हूँ प्रिंट यू आर, वो पाइथन लैंग्वेज आप इसमें शक्ल लिखें। देखिए जैसे प्रिंट यू आर एल किया यहाँ पे, देखिए https://course.toscrap.com आ गया, ये यू आर एल। अब मैंने इसके ऊपर ये रिक्वेस्ट ये फेच करना है, जिस तरह वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट भेजते थे ना, तो यहाँ पे होता है FETCH फेच FETC। अब आगे अगर हम सॉरी यहाँ पे हम देखना चाहें, सॉरी FETC आगे हम समझ आ गए, तो आप अगर इसको टैब को प्रेस करो तो ये आपको यहाँ पे दिखाता भी है, कमांड्स को कंप्लीट करके भी दिखाता है ये। फेच की कमांड है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा फेच लिख के अब आपने ब्रैकेट लिखा, और ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है यू आर एल, आप डबल कोटेशन में यू आर एल लिख सकते हो या वेरिएबल भी दे दो, ठीक है। अब आपने एंटर प्रेस करना, आप देखें ये अब स्पाइडर ओपन हो गया, और यहाँ पे इसने क्या बता दी, यहाँ पे इसने बता दी क्रॉल 200, इसका मतलब है कि वेबसाइट सक्सेसफुली क्या हो गई है, वो गेट हो गई, क्योंकि इसमें मैंने क्या बताया थे तीन चार कोड है, 200 का मतलब होता है सक्सेसफुली, 300 का मतलब है रीडायरेक्ट हो गया, 400 का मतलब क्लाइंट साइड, और 500 का मतलब है सर्वर साइड पे आ रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इसका बाय डिफॉल्ट किस में आता है रिस्पॉन्स, या ऑटोमेटिकली इसमें आता है रिस्पॉन्स में आता है, RISPON, ठीक है। ये देखिए रिस्पॉन्स आ गया, RESPON ऐसे रिस्पॉन्स, जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए रिस्पॉन्स में वो बता रहा है आपको 200 HTTP, मतलब 200 मतलब स्टेटस को हो रहा है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो फेच जब हम करते हैं, तो ये फेच लिखा, तो बाय डिफॉल्ट जब हम फेच यूआरएल करते हैं, जो जो इसने सारा का सारा डाटा फेच किया होता है, वो ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि वो सारा का सारा डाटा किस में है, वो रिस्पॉन्स में है। बेसिकली जब हम कोड लिखते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ को कोड मैंने लिखा हो, तो जिस तरह यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, जिस तरह ये है, ठीक है। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट गेट करता हूँ, ठीक है, ये यूआरएल दिया तो ये गेट की, यहाँ पे भी स्क्रैपी में भी हम इस तरह करते हैं, ठीक है, जीयूआई में कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक शेल में बता रहा हूँ कि शेल में किस तरह काम होता है। तो इसमें हम क्या करते थे, इसमें सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, स्क्रैपी शेल सबसे पहले क्या लिखना है, स्क्रैपी शेल। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर नोट पैड की फाइल ओपन कर लूँ, अगर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ स्क्रैपिंग के नीचे, सबसे पहले स्क्रैपी शेल को कैसे ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन, कमांड प्रॉम्प्ट, और फिर वहाँ क्या लिखना है स्क्रैपी शेल। जैसे ये कमांड लिखेंगे थोड़ी देर स्क्रैपी शेल से जाएगा, फिर आपने क्या लिखना है FETCH फैच, और फिर आपने लिखना है यू आर एल। जैसे फैच यू आर एल करोगे तो ये क्या करेगा, ये यू आर एल को फैच जाके क्या लगेगा, अब ऑटोमेटिकली इसका जो डाटा है वो किस में आता है, वो रिस्पॉन्स में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं कहता था तो मैं क्या कहता था, मैंने इसका रिस्पॉन्स किस में लिया, आर एस वेरिएबल, ठीक है, खुद से वेरिएबल किया है, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में क्या होता है ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स में आ रहा होता है। तो मैं अगर RESPON RESPONSE. जैसे मैंने टैब दबाया आप रिस्पॉन्स डॉट लिखे टैब, अब ये इसके आगे और फंक्शंस हैं, अब आपने क्या इसके एट्रीब्यूट्स देखने हैं, इसका स्टेटस देखना है, इसके एक्स पाथ इसके साथ करना है, रिस्पॉन्स टू यूआरएल देखना है, रिस्पॉन्स टू यूआरएल होता है कि रिस्पॉन्स टू यूआरएल क्या करता है कि जिस यूआरएल से रिस्पॉन्स आया है उसका क्या एड्रेस है, इसी यूआरएल पर रिक्वेस्ट भेजी थी ना, तो रिस्पॉन्स ये बेसिकली चेक कर रहा है कि किस यूआरएल से रिस्पॉन्स आया, इस यूआरएल से रिस्पॉन्स आया। फिर अगर मैंने चेक करना है RISPONSE. फिर टैब दबाया ये आ गया। अच्छा अब यहाँ पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसके स्टेटस क्या है इसका, तो क्लिक किया, अब देखो रिस्पॉन्स और स्टेटस में क्या है 200, कि क्या है इसका स्टेटस कि 200 स्टेटस है, मतलब सक्सेसफुली जो उनसे रिक्वेस्ट गेट हुई है। फिर हम देखते, फिर मैंने इसको क्या किया, अपर एरर दबाया ना, अपर एरर दबाते जाएंगे इसके जो हमने कमांड जितनी चलाई है वो सारी शो होती है, ठीक है। तो मैंने अपर एरर दबाया ये आ गया, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ डॉट लिख के टैब दबाता हूँ, अब यहाँ पे देखें एक हमारे पास आ रहा है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस का रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट करेगा जितना टेक्स्ट है, ये देखें ये सारा का सारा टेक्स्ट
जिस तरह हम देखते हैं ना, ये सारी सारी HTML है, डॉक टाइप और HTML, ये सारा कुछ अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये कोर्स लिखी हुई है स्पैन टेक्स के अंदर, ठीक है। तो सारा का सारा टेक्स्ट इसने दिखा दिए, ठीक है। इसी तरह वही उसी तरह सारा का सारा, लेकिन ये स्क्रैपी के थ्रू है। तो उसके बाद इसमें बॉडी, ठीक है, बॉडी में क्या क्या है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। इसी तरह रिस्क्यू एंड रिस्पॉन्स डॉट, अगर हम चेक करें रिस्पॉन्स डॉट आईपी एड्रेस। अच्छा, अब हमें ये आईपी एड्रेस भी बता रहा है कि किस आईपी एड्रेस से रिस्पॉन्स आया, ठीक है। उस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है जिस सर्वर से हमें ये रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट डबल टैप दबाओ तो हेडर्स, हेडर्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। UTF-8 में डाटा कैरेक्टर सेट, डेट वगैरह क्या है, ये सारा सब, ठीक है। तो ये आ गया रिस्पॉन्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये आता है, अब हमने एक्स पाथ अगर चेक करने के, हमने प्रॉपरली सही एक्स पाथ बनाया है नहीं बनाया है, ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा कि किस लिए जरूरत पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्स पाथ यहाँ पे हम बनाते हैं, इस पे अगर हम F12 दबाऊँ ना तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसका चेक करना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी क्लास क्या है, इसकी क्लास टेक्स्ट है। तो हम कैसे बनाएंगे, Ctrl+F दबाऊंगा, यहाँ पे ये आ जाएगा डबल फॉरवर्ड स्लैश, और क्लास कौन सी, स्पैन टैग है फॉर एग्जाम्पल स्पैन, और इसकी क्लास क्या है, तो क्लास के लिए क्या लिखेंगे, ये डबल स्क्वेयर ब्रैकेट्स को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, डबल स्क्वेयर ब्रैकेट्स, तो क्लास के लिए क्या लिखते हैं, एट द रेट क्लास इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, यहाँ पे हमने क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या, टेक्स्ट। तो टोटल 10 आइटम है, तो ये आ गए। और फॉरवर्ड स्लैश का क्या देनी है, टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट हमने गेट करना है, तो ये अब हमने कॉपी कर लिया। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ऊपर करता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, रिस्पॉन्स RISC रिस्पॉन्स डॉट XPath, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे करो देखो, इसमें XPath आ रहा हो, ये देखिए ये XPath, तो आप बेशक जहाँ से सिलेक्ट कर लो XPath, और XPath को किसमें लिखना है, डबल कोटेशन के अंदर, और यहाँ पर आपने क्या करना है, URL को पेस्ट करना। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये डबल कोटेशन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एंड हो रहा है, तो इसके अंदर फिर सिंगल कोटेशन आपने देनी है, यहाँ पे सिंगल कोटेशन, अब एरर नहीं आ रहा, ठीक है। और आगे क्या लिखना है, अगर आप सिर्फ इस तरह करके करोगे ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस तरह करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बताऊँ एंटर करें, तो ये देखें इसने क्या किया, देखें सिलेक्टर XPath स्पैन, ये दी के ऐसे रिटर्न के लिस्ट रिटर्न की है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे, तो पूरी लिस्ट रिटर्न की है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा है, लेकिन ये देखिए ये पूरे पूरे टैग्स हैं, मैं कहता हूँ टैग्स रहे, जस्ट सिर्फ ये वाली जो कोटेशन है ये आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हमारा होता है मेथड गेट ऑल, गेट ऑल, गेट ऑल का मतलब होता है जितने भी इससे मैच कर रहे हैं। आप देखो ये जितने, एक यहाँ स्टार्ट और यहाँ, जब देखें 1 2 3 4 5 7 9 10 10 है, ठीक है। अगर इसका एक और मेथड होता है गेट, गेट मेथड क्या करता है, सिर्फ अगर एंटर को सिर्फ एक सबसे ऊपर वाली को ये फेच करता है, ठीक है। और गेट ऑल क्या करता है, वो तमाम को करेगा, ठीक हो गया। तो ये इसका मेथड है गेट और गेट ऑल, ये सिर्फ स्क्रैपिंग में अवेलेबल है। अच्छा, जिस तरह रिस्पॉन्स डॉट एक्स पाथ है ना, इस तरह स्क्रैपिंग में CSS के थ्रू भी आप कर सकते हो, मतलब रिस्पॉन्स डॉट, अगर आप टैब दबाओ तो यहाँ पे देखो, ये देखो ये CSS का ऑप्शन भी है, ये देखो CSS, CSS के थ्रू भी स्क्रैप कर सकते हो, मतलब सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर XPath के थ्रू भी कर सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। XPath का ऑप्शन भी है और CSS का ऑप्शन भी है, तो ये आपके अपने ऊपर, आप XPath यूज करना चाहो, CSS यूज करना चाहो। जिस तरह ब्यूटीफुल सोप पे क्या थी, वो सिर्फ CSS के साथ काम करता था, XPath नहीं था, लेकिन स्क्रैपिंग के अंदर आपके पास दोनों अवेलेबल है, ठीक है। इस स्क्रैपिंग की कुछ लिमिटेशन भी है, वो आगे बताऊंगा क्या लिमिटेशन है, चलें ठीक है। अच्छा, ये हो गया, तो ये ना हम स्क्रैपी शेल को इस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसको अगर हमने स्क्रैपिंग को हमने मतलब उसका स्पाइडर बनाना हो या उस पर कोडिंग करनी हो, तो हम कैसे करेंगे, तो आपने क्या कर लेना, आप ओपन कर लो उसको, ठीक है, जी को पाई चाप ओपन कर लो, ठीक है। और
यहाँ पर आप क्या करो, देखो अब आप फॉर एग्जाम्पल ये मैं चला जाता हूँ यहाँ पे एल एस, मैं किस में हूँ, कौन सी ड्राइव में हूँ, ये ड्राइव है मेरी ई ड्राइव में, ठीक है। तो मैं बेसिकली बना लेता हूँ उसको, अगर मैं ई ड्राइव में जाऊं और यहाँ पे ये स्क्रैपी लर्निंग एंड सैम्पल स्क्रिप्ट्स, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर कुछ स्क्रैपिंग का बना लेता हूँ, या डी ड्राइव में चेक कर लूँ, डी ड्राइव में क्या डेटा है, डी ड्राइव में बना लूँ। तो मैं डी ड्राइव में जाने का तरीका होता है, डी लिखा, कॉलन लिखा, एंटर किया, अब मैं किस में आ गया हूँ, डी ड्राइव में आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं एल एस करता हूँ, एल एस करते हो तो वो बता देता है कि आपके पास कौन कौन सी डायरेक्टिव, यहाँ पे हम एक डायरेक्टिव बुला लेते हैं, यहाँ से बना सकते हैं कि चलो यहाँ बना लेते हैं, बल्कि यहीं पे बना लेते हैं, बस डी के अंदर ही बना लेते हैं। अब डी में आ गए, या बेहतर है किसी फोल्डर में बनाओ, ठीक है, यहाँ पर मैं फोल्डर बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल न्यू फोल्डर यहाँ पर बना लेते हैं, स्क्रैपी के नाम से बना लेते हैं, स्क्रैपी प्रोग्राम्स, ठीक है, स्क्रैपी प्रोग्राम्स के नाम से बना लिए। अब मैं इधर चला गया, अब ये देखें, अब एलएस करूँ ना, यहाँ पे देखें स्क्रैपी प्रोग्राम के नाम से वो फाइल पड़ी होगी, ये स्क्रैपी प्रोग्राम, अब मैंने इसमें जाना है तो सी डी एस सी दबा के आप टैब दबाएंगे ना तो खुद ही कर देगा ये। अब हम किस में आ गए, स्क्रैपी प्रोग्राम में। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या लिखते हैं, एस सी आर ए पी वाई स्क्रैपी, और एस टी ए आर टी स्टार्ट पी आर ओ जे ई सी टी स्क्रैपी स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं क्यू यू ओ टी एस कोर्ट्स कोर्ट्स प्रोजेक्ट, ये कोर्स प्रोजेक्ट, एंटर, ठीक है। अब ये देखिए क्रिएट कर रहा है प्रोजेक्ट, ये देखिए अब उसने क्या क्या है, यूजिंग टेम्पलेट डायरेक्टरी ये, और यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट स्पाइडर विद सी डी कोर्स प्रोजेक्ट, कह रहा है कोर्स प्रोजेक्ट में जाओ और वहाँ पे, अब देखिए हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ड्राइव डी में, तो ये स्क्रैपी प्रोग्राम था जिसके हम अंदर थे, अब देखिए ये कोर्स प्रोजेक्ट ये नाम रखा था ना, अब इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें ये फिर इसने एक और फोल्डर बना दी कोर्स प्रोजेक्ट, और उसके अंदर अगर हम स्पाइडर्स में जाएं तो यहाँ पे अभी कोई स्पाइडर नहीं है, तो अभी हम स्पाइडर भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है सारा इसमें, अब हम इसके अंदर से चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फाइल ओपन, और ये हमने किस में बनाया, डी ड्राइव में, स्क्रैपी प्रोग्राम्स में जाकर, तो कोर्स प्रोजेक्ट, अरे बस उसको ओपन कर लेता हूँ, अभी ओपन हो रहा है। तो पहले वो उसे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैंने सीएमडी में जाके बना लिया फाइल्स, अब मैं यहाँ पे जाके ये देख, अब इसमें आ गया आप स्पाइडर्स में आने, आप ये स्पाइडर्स में आ गया, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अभी ये इनका मतलब बाई डिफॉल्ट स्पाइडर, अब हमने स्पाइडर बनाना है, स्पाइडर बेसिकली होता है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखें स्टार्ट कोर्स प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर कोर्स प्रोजेक्ट यहाँ पे हो, अब मैं यहाँ पे एल एस करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये आ रहा है स्पाइडर्स, अब मैंने स्पाइडर के फोल्डर में जाना है, तो सी डी एस पी आई डी ई आर एस स्पेस के टैब दबाया, अब स्पाइडर्स के फोल्डर में, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, स्पाइडर बनाना है, ठीक है। तो स्पाइडर बनाने के लिए क्या लिखते हैं हम, कॉन्फिगर पाइथन इंटरप्रेटर, तो जो बना तो यही होता है, अच्छा जी। अब मैंने इसको स्पाइडर बनाने, पहले मैं स्पाइडर के फोल्डर में आना, देखिए स्पाइडर के फोल्डर में आ गया, ये देखिए ये स्पाइडर का फोल्डर, अब इसको क्या लिखना है हमने, एस सी आर ए पी एस स्क्रैपी जेन एस पी आई डी ई आर जेन स्पाइडर, और स्पाइडर का नाम फॉर एग्जाम्पल क्यू यू ओ टी एस पोर्ट्स एस, मतलब यही नाम है, क्या एंटर दबा दिया, ठीक है। फिर साइड टू फाइल,
जनरेट न्यू स्प्रेडर यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट। स्प्रेडर बना ऐसा नहीं है। अच्छा सॉरी यहाँ पे कमांड भी गलत हो गया शायद। तो स्क्रैपी जेन स्प्रेडर स्पाइडर का नाम सर जो जी, है। जी जी उमर सर जी हमारे पास जो है ना वो एनाकोंडा इंस्टॉल हुआ, डेटा माइनिंग फर्मवेयर साहब ने करवाया था, ठीक है, तो उसमें उसके भी अंदर दिया स्पाइडर का इंटरफेस दिए हुए, हुआ स्पाइडर का इंटरफेस। उसके जी सर दिए हुए है उसके अंदर। तो ठीक है आप उसमें कर लो, आप उसको देखना पड़ेगा उसको सही है कैसे सर। यूज करना है, उसको आप यूज कर लो। मैम्फर ने एक बार यूज करवाया था, हाँ यील्ड करके, ये स्क्रैपी को यूज करके। नहीं, उन्होंने तो अपना करवाया था लेकिन उसने स्पाइडर में ही करवाया था अच्छा ठीक है आप चेक करना, इसको भी चेक करना, ये स्क्रैपी मॉड्यूल है सर जी। मैं ये फ्रेमवर्क बात है, ये कर रहा आप जैसे हमारे पास इंस्टॉल करना। जुपिटर की एक्सटेंशन नहीं है, क्या चीज, चलो इसको आप देख लो ना, फिर उसको ट्राई कर लेना अगर उसमें भी होता है तो। ये तो बेसिकली स्क्रैपिंग का है ना, स्क्रैपिंग स्क्रैपी जो फ्रेमवर्क है उसका एक्सपाइडर है। हाँ फिर देख लेंगे सर उसमें। ठीक उसमें जाके चेक करना इसमें वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा उसमें ना अब यहाँ पे स्पाइडर कमांड लाइन थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक नहीं, 2-3 लाइन ही लिखनी है, इतना कोई मुश्किल कोई नहीं, बाकी बाकी सारा नहीं तो नहीं यही हो होता है। जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे तब। हाँ जी अच्छा यहाँ पे स्क्रैपी, उसके बाद यहाँ पे मैंने शायद लिखा भी होगा स्क्रैपी जेन स्पाइडर डैश टी टेम्पलेट। बेसिकली तो वो अच्छा, ओके 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 ओके, उसका नाम नहीं दिया। स्क्रैपी जेन स्पाइडर कोर्स, आगे आपने एक्स लिख देना, तो स्क्रैपी जेन स्पाइडर ठीक है। स्क्रैपी का मतलब ये स्क्रैपी मॉड्यूल यूज करो, जेन स्पाइडर में जनरेट करो स्पाइडर को, स्पाइडर का नाम और उसके आगे कोई भी वेरिएबल दे दे, ABCD कोई भी लिख दे और आप एंटर कर दे, ठीक है। अब वो जो स्पाइडर जनरेट कर दे, अब देखें कोर्स सक्रिय स्पाइडर कोर्स बन गया। अगर आप इसको दोबारा से इस तरह करके दोबारा करोगे ना, रिफ्रेश करोगे तो आ जाएगा। तो ये आप देखें एक इसने ना टेम्पलेट बना के दे दिए, ठीक है। ये इम्पोर्ट स्क्रैपी पहले से हुआ हुआ है, ये क्लास बनी हुई है। अब स्टार्ट यूआरएल, अब चाहो तो स्टार्ट यूआरएल में यूआरएल दे दो, जिसमें अब इसमें हम एक से ज़्यादा यूआरएल दे सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं उसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ डेफ रिक्वेस्ट का, ठीक है। पहले ही बना हुआ स्टार्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं यूआरएल, ठीक है। और यूआरएल में हम क्या लिखते हैं, course2scrap.com, ठीक है। तो यूआरएल में मैंने दे दिया course2scrap.com अपना, हाँ जी course2scrap.com। अब हमने इस पे भेजनी है कुमार, अच्छा जी course2scrap.com। अब हमने इस पे भेजनी है रिक्वेस्ट, तो इसमें हम कैसे भेजते हैं, स्क्रैपी डॉट रिक्वेस्ट, ठीक है। और यूआरएल, और यहाँ पे पीछे क्या करना है, यहाँ लिखना है YIELD, अब यील्ड करेंगे तो, अगर हम यील्ड नहीं ना करेंगे तो फिर ये रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यील्ड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं शो करवा देता हूँ आपको यहाँ पर। अब इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा स्क्रैपी रन स्पाइडर, मैंने कहा रन स्पाइडर नहीं बल्कि स्पाइडर, हाँ अगर सिंपल स्पाइडर को चलाना है तो फिर रन स्पाइडर, अगर पूरे प्रोग्राम को चलाना है तो फिर क्रॉल, ठीक है। स्क्रैपी क्रॉल और फिर उसका नाम, मैं स्पाइडर का नाम, स्पाइडर का नाम क्या, कोट्स एस डॉट कोट एस, तो QUOTES और फिर कैपिटल S, ठीक है। और अब एंटर, तो अब आप ये देखिए ये अब जनरेट कर रहा है रिक्वेस्ट, वेर ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल स्टार्ट रिक्वेस्ट,
102 कहाँ से आर दे रहा है ये ना, बड़ा जनरेट भी बहुत ज़्यादा कर देता है ये, थोड़ा सा ना ये कोड बड़ा जनरेट करता है यहाँ पर, आप समझ ना करता पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये बेसिकली इसके बाय डिफॉल्ट डाउनलोड मिडलवेयर होते हैं वो चलते हैं, फिर आगे ये चलता है। आई थिंक मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी तो है मैंने रिक्वेस्ट, स्क्रैपी डॉट रिक्वेस्ट, स्क्रैपी डॉट रिक्वेस्ट यूआरएल, यूआरएल लिखा है तो इशू क्या आ रहा है, मैंने प्रोग्राम से चलाया नहीं है। अनडिफाइंड अनेबल आइटम पाइपलाइन, रिक्वेस्ट कहाँ है। अच्छा यहाँ पे मैं यील्ड करता हूँ मेरा यील्ड, अब मैं इसको चलाता हूँ बोला। देखिए अब ये, हाँ ये अब ठीक चला, वो क्योंकि यील्ड का वर्ड नहीं लिखा था। अब ये देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, रिक्वेस्ट भेजी है, यहाँ पे देखें कोर्स डॉट स्क्रैप 200 आया के मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्स ओके है, ठीक है। फिर आगे देखें क्लोजिंग स्पाइडर, क्योंकि मैंने यहाँ पे पार्स में कुछ भी नहीं किया अभी, ठीक है। अभी हमारा बिल्कुल जो हमसे नॉर्मल, अगर यहाँ पे ना प्रॉपर चलते थे पहले एरर नहीं आ रहे थे उसका कह रहा है, तो ये जो कोड है ना ये अननेसेसरी कोड, अननेसेसरी तो नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें बता रहा होता है हमें ये, तो जब भी ये चलता है ना तो ये सारी चीज़ें आपको शो करता है, ठीक है। आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हो, बताता हूँ मैं आपको, ये इन्फॉर्मेशन मैसेज होते हैं बेसिकली। यहाँ से बेसिकली मैंने स्टार्ट किया, वो कहते हैं बॉट स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे वो बॉट का नेम ये है, स्पाइडर का नाम ये है, ये मिडल वेयर है इसके, और यहाँ पे ये हमने इस पर रिक्वेस्ट भेजी है, ये सारी चीज़, ठीक है। अगर आप इसको कर दो कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि, लेकिन ये सिर्फ स्पाइडर में है, क्रॉल में सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। क्रॉल में ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रैपी डॉट रिक्वेस्ट, अब इस पर रिक्वेस्ट जा रही है, अब देखिए ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में अभी तक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर अगर मैं रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट लिख दूँ, अब क्या होगा, अब जितना भी टेक्स्ट है ना वो हमें शो हो जाएगा। फिर जब अब मैं इसको चलाता हूँ, चलाने का तरीका है, मैंने वही लिखा स्क्रैपी डॉट क्रॉल, स्क्रैपी क्रॉल और वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हाँ मैंने अभी प्रिंट नहीं किया, देखिए कोड डॉट स्क्रैप, यहाँ मैं प्रिंट करूँगा PRINT प्रिंट और रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको चलाया तो अब ये देखें ये इसने सारा टेक्स्ट वो देखिए प्रिंट कर दिए, देख रहे हैं आप, ये सारा टेक्स्ट वो URL का टेक्स्ट है जो उस HTML का टेक्स्ट हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सिंपल दो तो तीन कमांड यूज़ किए हैं, ज़्यादा कमांड्स कोई नहीं इसमें। या अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने एक फोल्डर बना लिया जिसमें मैंने करना है, फिर वहाँ पे क्या लिखा मैंने, स्क्रैपी ये तो मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बताया, ये है अगर आपने उसको जनरेट करना, स्क्रैपी और आपने लिखना है START स्टार्ट PROJ स्टार्ट प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल QUOTES कोर्स PROJECT कोर्स प्रोजेक्ट। जैसे आप ये लिखोगे जिस फोल्डर में, उस फोल्डर के अंदर कोर्स प्रोजेक्ट के नाम से क्या बन जाएगा, एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ मैंने बनाया है, ये बनाया है, या मैं स्टार्ट स्क्रैपी प्रोग्राम में गया, वहाँ पे मैंने क्या कमांड लिखी, वहाँ पे मैंने ये वाली कमांड लिखी स्क्रैपी स्टार्ट प्रोजेक्ट। जैसे मैंने स्क्रैपी स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखी तो कोर्स स्क्रैपी स्टार्ट प्रोजेक्ट उसका नाम लिखा, तो कोर्स प्रोजेक्ट की फाइल बन गई, फिर उसके एक और बन गई, फिर उसके अंदर स्पाइडर बन गया। अब स्पाइडर के अंदर मैं आके तो मैंने फिर क्या लिखा, फिर मैंने उस पर लिखा कि स्क्रैपी, ठीक है, जेन स्पाइडर, और उस स्पाइडर का नाम मैंने क्या लिखा, QUOTES कोर्स S, और आगे मैंने दे दिया कोई वेरिएबल एक्स, कोई वेरिएबल दे दें एक्स वाई जी जो भी,
वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ यहाँ पे देखे ये अलाउड डोमेन में एक्स लिख दिया, स्टार्ट यूआरएल में यहाँ पे एक्स लिख दिया, ऑटोमेटिकली लिख देता है, ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल देते। तो इसने क्या किया, एक स्पाइडर जनरेट कर दी, बेसिकली एक्स क्या कर रहा है, ये डोमेन का नाम दे देना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, स्टार्ट यूआरएल में अलाउड डोमेन्स के अंदर ये यूआरएल दे देता है, लेकिन इसका फंक्शन ये प्रॉपर काम नहीं करता, इसलिए यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल एक्स दे देता हूँ ताकि मैं खुद से उसका यूआरएल डिफाइन करूँ। बस ये दो कमांड सिर्फ आपने चलानी, बस तो आपका क्या चलेगा, आपका ये स्पाइडर बन जाएगा। अब उसके अंदर क्या लिखा, उसके अंदर फंक्शन बनाया स्टार्ट रिक्वेस्ट का, और उसमें यूआरएल दिया और यील्ड कर दिया स्क्रैपी डॉट रिक्वेस्ट। अब ये क्या किया, इस पे रिक्वेस्ट जा रही है, अब ऑटोमेटिकली इसका जो रिस्पॉन्स है ना वो यहाँ पर आ रहा है, जिसका बाय डिफॉल्ट फंक्शन है कि जब स्टार्ट रिक्वेस्ट हमें जाएगी तो उसका रिस्पॉन्स किस में आएगा, उसका रिस्पॉन्स जिस फंक्शन में आएगा उस फंक्शन का नाम पार्स है। हम चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कॉल बैक इज इक्वल टू सेल्फ डॉट पी आर एस पार्स, ठीक है, आप खुद भी लिख सकते हो ये, ठीक है, तो फिर भी अगर आप चलाओगे ना तो फिर भी यही चलेगा, अभी चला के देख कर लेते हैं, ठीक है। आप देखें सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, बेसिकली लिखना कहाँ पे होता है, यहीं पे लिखना कॉल बैक सेल्फ डॉट पी आर एस पास सेल्फ डॉट सेल्फ इसी में लिखते हैं सेल्फ डॉट कॉस डबल कोट्स में डबल कोट्स में लिखता हूँ इसके अंदर, हाँ ये है ना सेल्फ, कॉल बैक इक्वल टू सेल्फ डॉट कॉस वाला सेल्फ क्या है, कॉल बैक का फंक्शन होता है, कॉल बैक का फंक्शन कौन सा है, यही पर होता है। हम उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि जब ये फंक्शन चले तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो किस फंक्शन को जाए, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अभी सेल्फ डॉट पार्स ऐसे लिख देते हैं, मेरे जेन में नहीं आ रहा कहाँ पे हम लिखते थे, चले बाद में करूँगा, उसको बड़े दिनों का काम नहीं किया इसको बताऊँगा। तो इसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इस पर रिक्वेस्ट जाती है तो इस पर रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्स पाथ देना चाहें तो एक्स पाथ मुझे पता है, एक्स पाथ क्या था हमारे पास, ये था, ठीक है, तो कंट्रोल सी करो, ठीक है, और यहाँ पे आप कर लो क्यू वी ओ टी स्पोर्ट्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट एक्स पाथ, ठीक है, और यहाँ पर हम इसके लिए एक्स पाथ दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये सिंगल कोट्स आएगा, सिंगल कोट्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट गेट ऑल, ये सारे जितने जितने कोट्स हैं वो सारे के सारे किस में चले, कोट्स में। अब ये कोट्स की लिस्ट बन जाएगी, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो यू टी एस कोट्स को क्या करेगा, यहाँ पे क्या चलाने का तरीका होता है, स्क्रैपी क्रॉल कोड्स, इसको एंटर करें तो आप ये देखें, अब ये चलेगा जहाँ चला, और ये देखें ये इसने प्रिंट कर दी, ठीक है, ये इसने 10 कोड्स जहाँ से प्रिंट कर, ठीक हो गया। तो इस तरह करके ना हम इस स्क्रैपी को यूज कर, अभी आपको पता नहीं चला क्योंकि सिंगल कर रहे हैं, जब हम इसमें मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि इस स्क्रैपिंग में ना स्क्रैपी काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है इसकी सारी, जी सर जी, आ गई है सर जी, चलिए वीडियो ज़रा जल्दी अपलोड कर दिया करें ये सब। वीडियो आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये सारा नया काम करवाया है, तो ये आपने जी लाजमी इसकी सर, प्रैक्टिस करनी, ठीक वो है ना। सर एक्स पाथ वाली भी, एक्सपाथ वाली मैंने, एक्सपाथ वाली मैंने अपलोड कर दी है, वो प्राइवेट वीडियो के तौर पे, वो आप अपना मुझे ईमेल भेजोगे ना, मैं उस ईमेल पे आपको अलाउ कर, चलें ठीक होगा। ठीक हो, ठीक है, ओके जी।
ठीक है फिर, है ओके, अल्लाह हाफिज़।